हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पंचकूला से चुनावी बिगुल बजा दिया है। प्रेस से संबोधित हुए गुप्ता ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है ये। संविधान की खूबसूरती है कि सभी को वोट का अधिकार है। उन्होंने कहा 65 साल में जो देश ने तरक्की की है उसकी तुलना में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 साल विपक्ष पर भारी पड़ रहे हैं। आपका संकल्प पत्र है, इसमें जिक्र ही नहीं है कि आप ओपीएस की जो मांग है देश में कर्मचारियों की, ओपीएस पे आप क्या करेंगे, या फिर किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा था 2022 तक, अब 2024 में है, तो किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, या फिर एमएसपी की गारंटी कानून की मांग किसान कर रहा है, या फिर युवाओं को रोजगार देने की बात जो आप करते रहे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की, अभी तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दिया, अब आगे इस संकल्प पत्र में कोई वायदा ऐसा नहीं किया। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता सर आपके घोषणा पत्र के एक एक पेज को ट्वीट कर रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं कि आपके वायदे कहाँ गए, गारंटी कहाँ चली गई। देखिए तीन बातें आपने पूछी। ओपीएस, सबसे पहले ओपीएस जो देश के अंदर लागू की गई वो हमारी सरकार ने की। किसानों की आय बढ़ाने के लिए जैसा हमने कहा कि एमएसपी इसको हम हर हालत में कंटिन्यू रखेंगे, और जिस प्रकार से मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर पिछले 5 साल के अंदर जितनी वृद्धि हमने प्रति परसेंटेज के हिसाब से की है शायद इतनी पहले कभी हुई नहीं थी। मकसद एक ही था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एमएसपी के ऊपर जो है जो रेट्स हैं, जितने ज्यादा रेट्स होंगे एमएसपी के उतनी ही ज्यादा किसान जो है वो समृद्ध होगा। उस दृष्टि से किसानों को समृद्ध करने के लिए कि एमएसपी जारी रहेगी, ये हमारे घोषणा पत्र का प्रमुख, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, और किसानों के लिए नैनो यूरिया इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं, इसको बड़े लेवल पर शुरू करने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ प्राकृतिक खेती है, जिन जिन लोगों ने जिन जिन किसान भाइयों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है उनकी आयु दोगुना से छोड़कर के 4 गुना तक भी बढ़ी है। तो इसलिए मेन एम्फेसिस जो है हमारी सरकार का ये रहेगा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए, एमएसपी हर हालत के ऊपर मेंटेन की जाए, एमएसपी के जरिए जो आज हम देते आ रहे हैं। विरोधी पक्ष के लोग तो हर बार कहते हैं कि एमएसपी ये नहीं देंगे नहीं देंगे, और हमने पूरा पिछले 5 साल 10 साल के अंदर भी दिया और आगे भी देंगे, इस बात की संकल्प पत्र के अंदर घोषणा की गई है। तीसरी बात आपने जो कही थी किसानों के बारे में और युवाओं के रोजगार, देखिए सरकारी रोजगार को केवल रोजगार मानना ये उचित नहीं है। हमने कभी नहीं कहा कि हम सरकारी नौकरी 2 करोड़ युवाओं को देंगे, लेकिन 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे उसके लिए ही। उन्होंने आगे बताया आगामी लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। इस घोषणा पत्र में किसान, महिला, युवा और गरीब व्यक्ति पर ध्यान दिया गया है। समान कानून के लिए सीएए लागू होने जा रहा है जिसका प्रभाव इस चुनाव पर भी पड़ेगा। एक योजना जो गरीब लोगों के लिए, उसके अंदर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, जो भी 85 करोड़ गरीब लोग हैं सबको पूरे देश के अंदर दे रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर नहीं है, ऐसा नहीं है कि भी। और ये योजना कोई आज से नहीं, जब कोविड आया था कोविड काल के अंदर ये योजना शुरू हुई थी, तभी से जब हमने कहा है कि गरीब लोगों का जीवन स्तर ऊंचा करना है, उसके बीच में कुछ ये ऐड करने वाला ही है, इससे कुछ ना कुछ गरीब व्यक्ति को फायदा होगा ताकि उसका जीवन स्तर ऊपर उठ सके। नहीं कोई श्रमिक यूथ नहीं, चाहे वो गरीब आदमी है, मध्यम वर्गीय है, जो उसके लोग हैं, सबको ये 70 वर्ष से ऊपर जो भी लोग होंगे उनको ये योजना का लाभ। हाँ जी, सभी एप्लीकेबल होंगे। हाँ जी, ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकूला के नागरिकों से आग्रह किया कि वे